अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वन व्लॉग। वेलकम बैक, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद से होंगे, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में आज देखा है डॉलर वन शॉप। मैं आई हूँ आज डॉलर वन शॉप पर, जो कि है ब्लॉक नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि है हुसैनाबाद की तरफ, ठीक है, हुसैनाबाद स्ट्रीट की तरफ कराची में, ठीक है। मैं वहाँ के डॉलर वन शॉप पर आई हूँ। छोटा सा जो है शॉप बना हुआ है वहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाया जाए। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे, मुझे ना असल में फ्रिज के बॉक्सेस लेने थे ना, फ्रिज में जो मसाला रखने की पर्नीस होती है ना, एक्चुअली मुझे वो लेनी थी, तो मैं वो लेने वहाँ पर गई थी, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती से मुझे मिली ही नहीं, और कुछ इतना ख़ास वहाँ पर सामान था नहीं, तो मैंने लिया नहीं, मुझे समझ नहीं पड़ी। तो मैंने जो है आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, जैसे कि ये सब गैजेट्स वगैरह वहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये इस वीडियो में देखें तो गैजेट्स वगैरह तो अच्छे थे किचन के, लेकिन वहाँ पे जो है ना बॉक्सेस नहीं मिले मुझे, बिल्कुल ही बेकार किस्म के बॉक्सेस थे वहाँ पे। बोल रहे थे वैरायटी आएगी ना 8 तारीख को, तो देखें मैं इंशाल्लाह 8 तारीख को जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, अगर गई तो ज़रूर ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए ये इस तरह के मतलब बॉक्सेस हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहे थे किस तरह के हैं, मतलब वैरायटी इतनी नहीं थी, मुझे असल में फ्रिज के बॉक्सेस ही लेने थे। 180 रुपीज़ का जो है सब सामान था वहाँ पे, लेकिन देखें आप लोग देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जो है इसको ब्लर भी कर दिया है, इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी। इंशाल्लाह मैं 8 या 9 को जाऊँगी डेट को, फिर देखूँगी कि क्या एक्चुअली में वहाँ पे वैरायटी आती है, और फिर देखा जाएगा कि वाकई कुछ मिलता भी है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो एक ही बर्निंग मुझे नज़र आई थी, आप लोगों को वीडियो में दिखी होगी। अच्छा फिर मैं थोड़ा आगे आई, वहाँ पे 90 रुपीज़ में ये कॉस्मेटिक और वगैरह था, आई डोंट नो ये ओरिजिनल था या फिर लोकल था, मुझे नहीं पता इसका, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन लग तो अच्छा रहा था, लेकिन था, मैंने तो कुछ नहीं लिया फ़िलहाल, मैं बॉक्सेस के लिए ही आई थी अपनी बहन के साथ, तो उसने भी कुछ नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं लिया। फिर हम लोग चले गए घर, और घर पे जाके मैंने फ़ौरन से जो है किया डिनर रेडी, और कढ़ी बनाई थी मैंने, कढ़ी और चावल नहीं बनाए थे, खिचड़ी खाते हम, तो कढ़ी के साथ हमने मैंने खिचड़ी बनाई थी, साथ साथ चाय भी रखती थी, तो डिनर की तैयारी करी थी, जल्दी जल्दी बच्चों को खाना देना था, क्योंकि ट्यूशन से आए थे तो मुझे जल्दी से खाना देना था, खाना बिल्कुल रेडी था। फिर हमने जो है जल्दी जल्दी से मैंने दस्तर लगाया, और फिर खाना निकाला और सबको सर्व किया, और साथ साथ मैंने नगेट्स भी तल लिए थे, तो बड़े मज़े के लग रहे थे। आजकल सर्दी में जो है ये सब चीज़ें अच्छी लगती है खाने के। तो भाई ये होता है मेरा आज का ब्लॉग, एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।